Parveen, how was it being a politician actually? I felt very slimy. No. But first of all, thank you to Remy for thinking and casting me in this film and having such a great co-stars. I've been a very big fan of Deepak Bhai and Gulshan's work, and I wish I would have had more scenes with them. ये जो किरदार है वरुण चड्डा जो सीएम है इस फिल्म में उसके इंटेंशंस बहुत ही अच्छे हैं एंड जैसे कि कई बार देखा जाता है अ लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस हैव टू टेक सर्टेन डिसीजंस व्हिच आर अनपॉपुलर समटाइम्स यू नो दो दे आर थिंकिंग इन द लॉन्ग टर्म फॉर दोज डिसीजंस लेकिन द जो शॉर्ट टर्म पेन जो होता है उन डिसीजंस की वजह से दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ पीपल टू गो अगेंस्ट देम He also has the best intentions of his people at his heart. लेकिन लोग वो intentions कई बार नहीं समझते हैं वो ये देखते हैं बस कि ये short term जो इन्होंने decisions लिए हैं ये हो सकते हैं अपने स्वार्थ के लिए लिए हैं वो हमेशा politicians पे जो masses हैं वो doubt करते ही हैं और ज़्यादातर तो doubt करना ही चाहिए जिस किस्म के हम politicians देखते हैं But what I can say is from what I played this politician, His intentions were always, you know, clear that he wanted to do something good for his people in the long term. And he wasn't worried and he knew because people told him that this is going to, a lot of things are going to backfire. But he still decided to do what he did. Deepak ji, ek political thriller hai. Politics ki baat karte hai, toh kahin aise lagta hai, kahin aise koi mudde film mein dikhaye jahan par kuch politically aapko कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ सकती है या फिर ट्राइंग टू नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है नहीं ऐसा कुछ नहीं क्योंकि सिस्टम के बारे में बहुत ही ओरिजिनल और नयापन है पूरी स्क्रिप्ट में जो थ्रिलर है बहुत ही अलग है और बहुत ही कन्विक्शन के साथ बनी है ऐसा नहीं है कि हम चाहते तो बहुत सारी चीज़ें कहीं कहीं से इंस्पायर होके वो पिरो सकते थे उसमें लेकिन ऐसा नहीं है बहुत ही नई स्क्रिप्ट है नई सोच है और एक नया नज़रिया है तो जिस तरह का अभी तक आपने थ्रिलर देखा होगा ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड ये बहुत ही अलग है उससे क्योंकि मेरा सवाल जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के इश्यूज होते हैं जैसे हम जो रोज़ बातें करते हैं लाइक एफडीआई आ रहा है तो एक शॉपकीपर को जिस तरह से इशू और महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है तो एक वेजिटेबल वेंडर के लिए आज अभी या तो वो जो रोज़मर्रा के इशूज़ हैं उन्हीं से डील कर रही है ये मतलब कोई ऐसा इंटरनेशनल जियो पॉलिटिकल इशूज़ नहीं है इट्स वेरी नेशनल इशूज़ वेरी रूटेड इशूज़ जो कॉमन मैन की ज़िंदगी में जो बेसिक्स जो होते हैं वो इशूज़ हैं Okay, my question to Remy ji. So it's okay, you know, if you can hear me, it's okay, fine. Yeah, yeah. The question is, you know, the casting plays a very important part in what we can see on dais, you know, Gulshan Dhawaiya, Deepak Dobriyal, Parveen Dabas. On what ground you zero down the star cast? The very first question. Aur dusra sawal, Deepak bhai, aapke liye. Lead kar rahe hain aap, sir, solo film kar rahe hain. Kitni zimmedari badh jati hai, are you nervous? Gulshan, all with all due respect, the people on dais. पहले नियर लीड कुछ नहीं है भाई मतलब मैं कैरेक्टर को ही तवज्जो देता हूँ तो कैरेक्टर जो है वो चाहे लीड हो चाहे सेकंड लीड हो चाहे एक गेस्ट अपीयरेंस हो कैरेक्टर कैरेक्टर करता हूँ मैं मतलब वो वाली सोच नहीं है मतलब आपको ये लग रहा होगा कि लेकिन इस फिल्म में हर किरदार कुलदीप पटवाल जितना ही पावरफुल है ना तो ये एक इशू बेस्ड फिल्म है इसलिए एक आम आदमी जो पीड़ित है और जो रिवेंज ले रहा है उसका पोस्टर पे वो होगा अदरवाइज फिल्म में हर एक्टर उतना ही पावरफुल है और उतना ही बड़ा रोल है जितना कुलदीप पटवाल का है तो ये मुझे पहले से भी पता था है ना तो तभी मज़ा है कि जब इतने बेहतरीन एक्टर हैं तो उनके साथ गिव एंड टेक करने में शेयर करने में और चीज़ें निखर के सामने आती है तो वो वाली उसमें नहीं है तो खुश हूँ गुड ओके दीपक भाई नहीं फिर भी टाइटल की अगर मैं बात करूँ कुलदीप पटवाल मतलब दीपक डोबरियाल आइडेंटिफाई तो ऐसे ही करा जाएगा क्या क्या आप मानते हैं एज एन इंडिविजुअल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट द पीपल ऑन द डाइस फॉर एग्जाम्पल यू नो गुलशन एंड परवीन कहीं कहीं इस बात की नर्वसनेस या कहीं इस बात की जिम्मेदारी बढ़ती है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की यार फिल्म का टाइटल ही मुझ पर है मैं ही कुलदीप पटवाल हूँ नहीं मतलब अगर अच्छा फिल्म अच्छा करती है तो बहुत खुशी होगी और जिम्मेदारी तो रहती है ना तभी तो फिल्में बनती है तभी लोग आपको रोल देते हैं कास्ट करते हैं अगर आप जिम्मेदारी महसूस नहीं करेंगे तो क्यों करेंगे तो बस हमें बस लेकिन क्या आता है हमें मेहनत करनी आती है ना इन्वॉल्वमेंट आती है शिद्दत आती है और फिल्म से जुड़ी जो भी हमारे डायरेक्टर साहब ने हमें बोला वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने आते हैं तो उसी पर चलते हैं बाकी तो आगे का खेल मुझे आता नहीं है तो जितना आता है हमने वो कर दिया
Remy, casting plays a very important part. On what ground you zeroed on the star cast? Is it directed to me? Yes. The question is to you. Okay. I would love if the commercial actors, the top stars, could do such a film. Yeah? But they do star-driven films. I just wanted good actors. And these actors, they do not choose scripts at random. They choose them really wisely. And I hope that's what they got. And obviously, you know, we have to see the availability issue, the dates issue, because this is an actor and character-driven, story-driven film. And to get an ensemble of these actors together requires a lot of planning and availability. And, you know, because the film was also shot in Delhi, and Delhi doesn't have that kind of infra as Bombay would or Mumbai would. So, yes, good actors, good script, probably, you know, got me attracted to sign these good actors. Remy Kohli sir, this is Abhita Singh from Bolly Jasus. My question to you. Hello sir, I'm back. Yeah. Hi man, how are you? I'm good. How are you, sir? Doing better, thank you. My question to you, I'm from Bolly Jasus. I just wanted to know, there are many films coming every Friday in the talkies, they are releasing, but they are getting bombed. Now, how is your content different from other movies which will bring audience to the theater? What is the USP of your content? Let me just ask these people, what was the question? I mean, said how many, it is different from other films? Many films what come, our films are like the USP bombing in the box office. Yeah. What is your USP to draw in the audience? Okay, I'm going to pay a big tribute to the changing audience in India right now. Are you ready for this? The audience in UK, in US, in France, in Italy, they have been saturated with the, you know, the HBOs and the Cinemaxes and also the Netflixes, yeah? Right. The Indian audience, especially the youth, is as hungry as, you know, American audience was in the 80s and 90s. They are beginning to really separate the good from bad, and I have seen it in the films. You see the hit to flop ratio of the past couple of years, and you'll understand how the good scripts, yeah, they have done immensely well, regardless of the star cast, regardless of the budget. It's only story driven and good, probably the direction or the good acting. They've all done well. So the film has to have its heart in its place. And if it does, that's more than half the job done. My question is to Deepak, Gulshan, Aveen, and you also. Yeah. You have such a fine star cast, but they're not to be seen on the poster act. So are you all also missing yourself, or this is just a poster doing something else where you are to be seen? Because Hello, check. Are you talking about sir, the poster? Sir, poster pe mera naam hi kafi hai. Koi hase nahi. Maine ummeed kiya tha ki sab log hasenge. Nahi, par aapne trailer dekha film ka? To hello. Wo to, I mean. Yeah. Okay. Should I answer or? Okay. Yeah, maybe. But I'll tell you one thing. This is not a commercial film. This is not a cholet where you'll see six faces and, you know,
if we design a very normal kind of poster, let me give you a couple of examples, yeah? Yeah. Sorry, once again. Yeah. Firstly, I don't miss myself in the poster. Agar audience jo log dekhenge jo is film ke bare mein koi jankari nahi hai, wo poster dekh ke sochenge, "Ha, this is interesting." Hamare liye utna kafi hai. Interest jagana hota hai. So, it's not important ki poster mein aana hai. Main janta hu aap ye sawal kyun pooch rahe hain. Main kuch 10-15 saal pehle main bhi sochta tha ki mere bade bade poster lagenge. But I think मैं बड़ा हो गया हूँ अभी तो दिमाग से भी तो so वो मायने इतने मायने नहीं रखता जो it's not so important मैं सीधी बात कहता हूँ it's not it used to be important जब बचपन में teenager था it used to be important ज़माना भी बदल गया जी actually मेरा चेहरा है लेकिन देखिए क्या होता है जो सर ने है ना सबको क्रिएटिव फ्रीडम दी थी थ्रू आउट राइट फ्रॉम द राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से टू द पोस्टर डिजाइनर को तो कहीं पर भी ज्यादा तो उसने अपना बेस्ट डिलीवर किया ही डिलीवर्ड द बेस्ट तो उसमें फिर ये वो नहीं किया था कि यार कमर्शियल प्रेशर की ऐसा होना चाहिए और यू नो भाई साहब गलती हो गई ऐसा है कि मैंने 20-25 फिल्में की हैं तो उनमें से 22 फिल्मों में मेरा पोस्टर पे कहीं पे भी जिक्र भी नहीं है और वो भी नहीं है फोटो नहीं है लेकिन मैंने हर रोल में बड़ी शिद्दत से काम किया है ठीक है हिंदी मीडियम भी देखी होगी उसमें मैं नहीं हूँ तनुवेट्स मनु में भी मैं नहीं हूँ है ना जो भी आप देख लेंगे दबंग शौर्याव सब चीज़ें कहीं पे भी मैं नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना काम नहीं करेंगे ये हमारे डायरेक्टर साहब की मर्जी है ना मेरी तौबा भाई साहब मैं तो चाहता हूँ कि पूरा यूनिट का क्रू मेम्बर तक वहाँ पर आए ठीक है मैं चाहता हूँ कि पूरा जो लाइट मैन है हमारे जो आर्ट लगाते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सबका पोस्टर आना चाहिए या तो ग्रुप फोटो जैसे आरबी के जो बटालियन है उसका आता है उस तरह से आना चाहिए मैं वहाँ तक का हकदार हूँ या वहाँ तक का वो समर्थक हूँ तो अब ये हमारे डायरेक्टर साहब का नज़रिया है विजन है मेरे ख्याल से मुझे लगता है जो उसका रीज़न ये होगा कि कुलदीप पटवाल जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक आम आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा है गरीब शोषित आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके पास ना तो कोई उसने कुछ गहने पहने हुए हैं ना कुछ सूट है ना कुछ वो है एक नज़रिया है सोसाइटी में एक आम आदमी को आप किस तरह से देखते हो आप एक नज़रअंदाज करके सोच लोगे कि वो सीधा देख रहा है लेकिन तिरछा देख रहा है वो अलग अलग तरीके से भी देख रहा है ना तो ये नज़रिए की बात है सर के बाकी मैं तो चाहता हूँ सॉरी भाई साहब मैं अगली बार से मैं कहूँगा सर उनको भी डर देखिए कहानी स्टार क्लास से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कहानी और ये पोस्टर कहानी को जाहिर करती है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट हेलो इसलिए ये कॉन्सेप्ट डिज़ाइन है हेलो मेरा मैमू जी यहाँ सर ये इतना सब लोग बात कर रहे हैं जिस तरह स्टोरी बनी है आई एम रमेश राव फ्रॉम सीने बस्टर मैगजीन यहाँ पे सर हाय 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 सर ये सब बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स है सब है आपने तो पूरा सुन लिया है हाउ डिड यू थॉट कि ये फिल्म को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ आपने किस नज़रिए से देखा क्योंकि आजकल तो अच्छे अच्छे फिल्में फ्लॉप हो रही हैं सो वॉट इज़ योर थिंकिंग दैट यू टुक दिस मूवी टू डिस्ट्रीब्यूट एंड दिस इज़ अ करेज सर आपने बड़ा स्टेप लिया है कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू थैंक यू वेरी मच थैंक यू कॉम्प्लीमेंट जो अगर इसमें 10 फेस होते तो ये सवाल इतने देर तक बहस का कारण नहीं बनता ये बहस हम इसलिए कर रहे हैं कि इनको भी लगा आप सब सीनियर लोग बैठे हुए यहाँ पे तो इनको लगा यार ये ऐसा फेस आधा सा यहाँ देख रहा है वहाँ देख रहा है क्या ये चीज़ तो ये अट्रैक्ट करता है कभी कभी ऑडियंस को हमने आज से 10 साल पहले एक फिल्म मैंने की थी चॉकलेट चॉकलेट में भी हमने आधे आधे फेसेस इस्तेमाल किए थे लेकिन वहाँ स्टारकास्ट थी तो सब ने हमसे ये कहा था यार इतनी बड़ी स्टारकास्ट है सबको इकट्ठा क्यों नहीं ला कर रख दिए तो कभी कभी हम फिल्म की कहानी को लेकर डायरेक्टर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी जो टाइटल को जस्टिफाई कर रहा है ये पोस्टर और फिल्म मैंने रिलीज़ करने का फैसला इसलिए किया कि डेफिनेटली हमने हर तरीके की फिल्में की है कमर्शियल फिल्में की है स्टारकास्ट फिल्में की है और एक अच्छा सिनेमा जब रेमी मेरे पास ये सिनेमा लेकर आए और इन्होंने कहा कि मैंने इसको कांस में ऑन किया था तो मुझे लगा कि कांस तक पहुंचने वाली फिल्म ज़रूर कुछ इसमें कोई बात होगी मैंने फिल्म देखी और मुझे ये लगा कि नहीं ये फिल्म को अगर जस्टिफिकेशन मिल जाए अगर सही प्लेटफॉर्म मिल जाए सही तरीके की पब्लिसिटी मिल जाए सिनेमा मिल जाए तो ये फिल्म ऑडियंस तक पहुंच सकती है मेरा काम है बॉक्स ऑफिस तक पहुँचाना सिनेमा तक पहुँचाना उसके बाद ऑडियंस बोलती है हमने देखा है जब रमज़ान में BA पास लगी थी नॉन स्टारकास्ट फिल्म थी बहुत अच्छा सिनेमा था चला तो समटाइम
सिनेमा बोलता है, एंड ऑफ द डे मैं नहीं बोलूँगा, स्टारकास्ट नहीं बोलेंगी, शाहरुख खान हो या आमिर खान हो, सिनेमा बोलता है। तो ये सिनेमा बहुत अच्छा है और इसलिए मैंने ये करेज लिया कि मैं ये फिल्म को रिलीज़ करूँ। रेमी जी, हेलो रेमी जी, यहाँ सामने आपके, सिंस अ कपल ऑफ मिनट्स बैक यू टोल्ड दैट योर रूट्स आर इन इंडिया एंड यू आर फ्रॉम यूके, राइट? कैन यू हियर मी? या 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 सर, व्हेन यू स्पोक अबाउट योर रूट्स, हैप्पी टू दैट योर प्रोड्यूसिंग डायरेक्टिंग ए हिंदी मूवी, यू नेवर थॉट टू मेक अ पंजाबी मूवी इंस्टेड ऑफ? One of the characters is actually, a thick Punjabi dialect, and that's Mr. Dwaiya, if you can see in the trailer as well. And he's not Punjabi, you see. And it's not that. The next couple of projects that I have, one is a British project, and one could be a Hindi film again. But cinema is cinema. I have a script which is for the Farsi language. I know Farsi as well. So that's totally Iranian. So cinema is cinema. What you can do with the ordinariness of the story and bring out the common man or the common elements of that country, I think that is cinema. To answer your question, agar Punjabi film ho to, I'll see what is the essential part missing in the Punjabi films, and I'll try to, elevate it. I wouldn't want to make a Punjabi film just for the sake of, riding on the star value of Diljit Dosanjh or the other Punjabi stars, if you know what I mean, yeah? So whatever language it is has to belong there, yeah? So anything possible. So, and what about your releasing? Are you releasing, you mean? Yeah. Did you say releasing? Yeah. We are trying to release outside India as well. Hopefully, something will happen. Yeah. Kohli sahab, abhi aap jab star cast ki baat kar rahe the, yeah, to mujhe aapki baaton se ye laga ki aapne pehle is film ke liye bade stars ko approach kiya, aur shayad wo nahi baat bani kya, ya to is film ke concept ki wajah se ya kisi aur wajah se, yeah, then you moved to them, yeah, to क्या कितना सच है इस बात में? दूसरा, ये क्या ये फर्स्ट चॉइस थे आपके? मेरा सवाल वही है कि ये क्या फर्स्ट चॉइस थे? और दूसरा ये कि रायमा जी नहीं आई? ओके, द सेकंड वन इज इजीयर, शी इज नहीं, शी इज शूटिंग इन कोलकाता, ओके, एंड हर मैनेजर टोल्ड मी दैट शी वोंट बी एबल टू कम. So, and he apologized, and I said, that's all right. Now, coming to your first part, I'll try to give you an objective answer. If cricket is very popular here, isn't it? If Virat Kohli, the star player, gets injured, and somebody replaces him, and India wins, would you say Virat Kohli isn't required? And if they lose, would you say it's because of Virat Kohli? Now, the thing is, a team is a team, yeah? Whoever goes onto the field to play at that point represents India, yeah? Now, secondly, are you going to watch this movie? Yeah, sure, why not? When you do, tell me which one of these actors, all of them, ensemble, hasn't worked well, okay? And then I'll happily go out, have a coffee with you, and you tell me, okay? If... That's a superb answer. Thank you. And thank you, gentlemen. No more